अच्छा भैया, रोल रोल भैया। एसएसपी सर, एक बड़ी कामयाबी मिली पुलिस को, क्या है पूरा मामला बता दीजिए। बरेली पुलिस ने एसपी सिटी और सीओ थर्ड के क्लोज सुपरविजन में थाना इज्जत नगर की टीम ने एक अत्यंत सराहनीय कार्य करते हुए एक बड़ा नारकोटिक्स का रैकेट बस्त किया है, जिसमें दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके नाम गुलाम नबी और आसिम है। गुलाम नबी थाना मीरगंज का रहने वाला है और आसिम थाना इज्जत नगर का रहने वाला है। इन दोनों के पास से कुल 4 किलोग्राम नारकोटिक सब्सटेंस बरामद किया गया है, जो नैक बताया जा रहा है, जिसकी इंटरनेशनल मार्केट में जो वैल्यू है वो लगभग 4 करोड़ रुपए की है। साथ ही साथ एक वाहन बरामद किया गया है, महिंद्रा एसयूवी, जिसके साथ ये लोग मूव करने वाले थे। इनसे पूछताछ में जो चीज़ सामने आई है, उसमें इन्होंने सप्लायर का नाम बताया, जो अभी वर्तमान में फरार है, गिरफ्तारी के लिए बड़ी टीमें लगी हुई हैं। साथ ही साथ इनको नीड टू नो बेसिस पे इंफॉर्मेशन दी जाती है और उन्हें ये कंसाइनमेंट दिल्ली में डिलीवर करनी थी, परंतु कहाँ करनी थी, कब करनी थी, किसे करनी थी, इसके बारे में इनको दिल्ली पहुँचने के बाद ही जानकारी मिली। इनसे काफ़ी पूछताछ की गई है, इनसे और भी फैक्ट हमें मिले हैं, उन पर पुलिस टीम काम कर रही है और मुझे पूरा उम्मीद है जल्द ही जो इस नेक्सस में और लोग हैं उनकी गिरफ्तारी हम करेंगे और बरामद की और गिरफ्तारियाँ इसमें सुनिश्चित कराई जाएगी। इस सराहनीय कार्य के लिए टीम को मेरे तरफ से 25,000 रुपये का नगर पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की है। इन दोनों का अभी वर्तमान में कोई आपराधिक इतिहास नहीं मिला है, ये पहली बार पकड़े गए हैं। इन्होंने बताया कि विगत 6 महीने के अंदर में 2 बार इन्होंने कंसाइनमेंट डिलीवर किए हैं और पर कंसाइनमेंट इनको जैसा इन्होंने बताया है 10 लाख। Thank you.